तो बच्चों कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। मामला आज का कुछ बहुत ही अजीब है और शायद आप सभी को जान के ये हैरानी होगी कि इतने बड़े इंस्टीट्यूशन लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले लगभग लखनऊ विश्वविद्यालय या इससे संबंध में पढ़ने वाले लगभग हजारों छात्रों के छात्रवृत्ति फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हो पाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि 18 जनवरी लास्ट डेट था और 21 जनवरी विश्वविद्यालय को फॉरवर्ड करने की डेट थी, लेकिन विश्वविद्यालय में लगभग 2500 ऐसे हैं, मतलब 2500 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके स्कॉलरशिप फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हो पाई, और सबके में ये लिख के आ रहा है भैया पेंडिंग एट इंस्टीट्यूशन लेवल, इसका क्या सोल्यूशन है। तो लगभग लगभग हर वो छात्र समाज कल्याण अधिकारी के पास जब चक्कर लगाने जाता है तो उनको ये सुनने को मिलता है कि आपका कॉलेज रिस्पॉन्सिबल है या आपकी यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल है कि उन्होंने ऑन टाइम आपका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं किया, जिसकी वजह से आपका फॉर्म हमारे पास नहीं पहुंचा है और अब आप छात्रवृत्ति के लायक नहीं हो। ठीक है, और ऐसा सुनने को कहां मिलता है? समाज कल्याण अधिकारी साहब ये बात सीधा सीधा कह देते हैं जब कोई छात्र जाता है। बच्चा जब विश्वविद्यालय के चक्कर लगाने जाता है तो विश्वविद्यालय में ना इसकी कोई मदद करता है और ना कोई सुनता है। विश्वविद्यालय कहता है कि हमने 4 लेटर फॉरवर्ड कर दिए हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने उस पर सुना नहीं है। समाज कल्याण ये कहता है, विश्वविद्यालय से भी यही बात कहता है कि भैया हमारे पास 60 लाख बच्चे हैं, मतलब 60 लाख बच्चों के फॉर्म फॉरवर्ड हो पाए और आपके विश्वविद्यालय के 2500 फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हो पाए। इसका मतलब है कि आप लोग कामचोर हो, अब आप लोगों के फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हो। तो भैया ना विश्वविद्यालय प्रशासन का इसमें घाटा है और ना समाज कल्याण अधिकारी का, जो साहब एसी में बैठते हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग तो आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो अब इसकी समस्या का समाधान ये कैसे होगा? तो लखनऊ विश्वविद्यालय में कुछ छात्र संगठन, कुछ बच्चे एकजुट होकर आए हैं और कह रहे हैं कि ये हम ऐसे हार नहीं मानेंगे कि पेंडिंग एट इंस्टीट्यूशन लेवल पे रख देंगे और हमारा फॉर्म फॉरवर्ड नहीं होगा। ऐसे कैसे नहीं होगा, हम लोग ये चीजें करते चले हैं। तो कुछ दिन पहले, अभी आज की बात है, विश्वविद्यालय में इस तरीके के पोस्टर लगे हुए हैं, मतलब ये लोग मेधावी छात्र परिषद, इनका मतलब ये है कि ये विश्वविद्यालय में फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में अगर आपका नंबर ज्यादा आ जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में अगर आप मास्टर कर रहे हो तो आपका ये मेरिटोरियस स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर बना दिया जाता है। भैया ये मेंबर लोग करते क्या है? ये मेंबर लोग का कोई काम धाम नहीं है, मतलब गरीब का बच्चा क्या होता है, वो रोता रहेगा, जिसकी फीस उसी से जमा होगी, लेकिन ये बड़े बाप के बेटे लोग क्या करें, इनको कुछ नहीं मतलब है कि फीस जमा है, बच्चे की स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं आएगी। ये आराम से अपनी पढ़ाई मस्त करते हैं, जो कहते हैं जी सर यस सर, जी सर यस सर, इनके पास जवाब देने के लिए। तो आज कुछ छात्र संगठनों ने क्या किया, इनके गुमशुदा होने की तलाश के लगाई, क्योंकि 2500 बच्चा, आप समझ सकते हो एक बच्चे की स्कॉलरशिप बात करूं तो कम से कम 10,000 रुपीज तो आता ही है। ठीक है, और ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग कम से कम मेधावी छात्र काउंसिल कुछ तो कहता है विश्वविद्यालय से कि भैया मेरा फॉर्म फॉरवर्ड करा दो या इतने बच्चे हैं सर आप मदद करिए, ये सिर्फ नाम के पद लेके बैठे हैं लोग, इनका भी तो काम है कुछ। देखो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोलर नहीं होता है, यहाँ पे सीधा क्या होता है, बस परसेंटेज आ गया, ज्यादा परसेंटेज है, अब आप इसके अध्यक्ष बन गए, उपाध्यक्ष बन गए, बस ये लोग पोस्ट लेके बैठे हैं, काम कुछ नहीं है। ठीक है, बस ये अगले साल बीतेगा, तीसरे साल कोई और आएगा, चौथे साल कोई और आएगा, बढ़िया बढ़िया नंबर ला देंगे लोग, पीछे से खुश, 2 दिन फोटो चिपकेगा, बाद में ये लोग गुमशुदा हो जाएंगे, ये लोग आपको कहीं दिखने वाले नहीं है। तो इनसे कोई उम्मीद मत करिए, लेकिन हाँ 2-3 लोगों से उम्मीद कर सकते हैं आप। देखिए, अगर आपका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हुआ तो कई सारे छात्र संगठन, ये एबीपी ने कहा है कि जिन बच्चों का फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हुआ है वो लखनऊ विश्वविद्यालय के, ठीक है, सरस्वती गेट प्रतिमा गेट नंबर 1 पे आप उनसे 19/2 को 12 बजे दोपहर में मिल लीजिएगा। ठीक है, उनके साथ जाइएगा, शायद ये लोग गवर्नमेंट तक भी आपकी बात पहुंचाएंगे, विश्वविद्यालय प्रशासन की बात पहुंचाएंगे। ये तो आपका हो गया एबीपी का। दूसरा है आपके एनएसयूआई, 2 संगठन होते हैं विश्वविद्यालय में जनरली, ये दोनों लोग बहुत अच्छे काम करते हैं। ठीक है, एनएसयूआई ने कहा है कि अगर आपका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हुआ कुछ इस तरीके से लिख के आ रहे तो 11:30 बजे आप कैशियर ऑफिस में मिल लीजिएगा। तो आप लोग अगर एक ग्रुप में जाओगे तो शायद इसका कुछ इम्पैक्ट पड़े और आपको फायदा हो। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत कोशिश किया और हम लोगों ने भी बात किया, तो समाज कल्याण अधिकारी मेरे सामने ही 2-3 बच्चे गए थे, इवन मैंने भी खुद गया था, तो वहाँ पे वो यही कह रहा है कि जब हम 60 लाख बच्चों का फॉर्म फॉरवर्ड हो जा रहा है तो आपके विश्वविद्यालय वाले इतने कमजोर या कामचोर क्यों है कि 2500 बच्चों का फॉर्म नहीं फॉरवर्ड कर पाए। ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय से हर साल लगभग 10,000 बच्चों की छात्रवृत्ति फॉर्म फॉरवर्ड होनी होती है, लेकिन प्रोसेस हमेशा डिले होता है, रिजल्ट हमेशा डिले होता है, ज्यादातर फॉर्म इसमें ऐसे हैं
पीजी स्टूडेंट के ज्यादा है, यूजी स्टूडेंट के भी हैं। यूजी में एमबीए स्टूडेंट जैसे, पीजी में क्या है एमबीए जैसे स्टूडेंट। एमबीए की स्कॉलरशिप जानते हो अब कितनी आती है, 60%, मतलब कम से कम 50,000 रुपया तो स्कॉलरशिप के फॉर्म में आएगा ही आएगा। अब ये बच्चों को ना मिले तो बेकार है। तो आप लोग एक काम करिए, देखिए अभी एके ट्यू और पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए उन्होंने डेट बढ़ाई थी, 19 तारीख को कहा है कि जितने भी एके ट्यू और टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उनके फॉर्म फॉरवर्ड कर दिए जाए, लेकिन विश्वविद्यालयों के लिए अभी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई है। ठीक है, तो आप कोशिश ये करिएगा कि आप उनके साथ जाइएगा, रिक्वेस्ट करिएगा। ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय इतने बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो ये तो लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिकारियों का ये चुटकियों का खेल है कि अगर वो एक बार बोलेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन वो ना मन से कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि गरीब बच्चे इस विश्वविद्यालय में पढ़ पाए। ठीक है, और लोगों को लूटा जा रहा है झूठ में। ठीक है, तो आप परेशान ना होइए। ठीक है, आप बस जो भी छात्र संगठन है उनका उनकी सहायता करिए, उनके साथ जाइए, शायद वो आपकी मदद करें स्कॉलरशिप दिलाने में। और एट लास्ट एक काम और कर सकते हैं आप लोग, हमेशा देखिए मुख्यमंत्री पोर्टल पे 1076 पे कॉल करके भी आप कह सकते हैं, या एक काम करिए मुख्यमंत्री IGRS पोर्टल पे कंप्लेन डालिए। ठीक है, IGRS पोर्टल हुआ, उसके बाद से आपका वो जनसुनवाई हुआ। ठीक है, आप इन सभी पोर्टल पे कंप्लेंट डालिए, सभी गवर्नमेंट की पोर्टल होती हैं। अगर आप यहाँ कंप्लेंट डालोगे लखनऊ यूनिवर्सिटी के नाम से डालना, या नहीं कि गवर्नमेंट के नाम से मार, सीधा लखनऊ यूनिवर्सिटी के नाम से डालो, समाज कल्याण अधिकारी। वो लोग जब ये सारी चीजें प्रेशर पड़ेंगी ना तो विश्वविद्यालय अपने आप ही होश में आ जाएगा। ठीक है, एक कंप्लेंट जाता है ना तो विश्वविद्यालय को रिटर्न में जवाब देना पड़ता है कि हाँ ये चीज है, इसको ऐसे सही करना होगा। अगर किसी बच्चे की मार्कशीट में कोई कमी होती है, अगर वो क्या करता है उस पर कंप्लेन कर देता है ना IGRS पोर्टल पे, तो विश्वविद्यालय को लिख के देना पड़ता है कि ये छात्र ये पढ़ने में ठीक था, इसका नंबर हमसे गलती हो गई थी, हम इसके नंबर 2 दिन में चढ़ा देंगे, ऐसे हालात हो जाते हैं। तो आप लोग भी उस पोर्टल पे कंप्लेन करिए, और उससे रिलेटेड कई सारे यूट्यूबर ने वीडियो बनाया है कि समाज कल्याण में कैसे कंप्लेन करें, किस तरीके से कंप्लेन करें, तो आप वो भी करिए। और बाकी कल पहुंच जाइएगा उनके साथ, बताएंगे जैसा वो उस हिसाब से अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, और विश्वविद्यालय प्रशासन से गुजारिश करिएगा, कहिएगा सर जब आप ऑल इंडिया लेवल के, सेंट्रल लेवल के, इतने बड़ी यूनिवर्सिटी, टॉप बड़े यूनिवर्सिटी, टॉप बड़े लोग आपके यहाँ आ सकते हैं, तो आप हमारे लिए मदद नहीं कर सकते हैं, 2500 बच्चों का स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं फॉरवर्ड कर सकते हैं, इतनी बड़ी UGC ग्रैंड कमीशन, खुद UGC के चेयरमैन आपके विश्वविद्यालय तक चले आए चर्चा किए, इतने बड़े कार्यक्रम हो गए, तो आप इन 2500 बच्चों का मदद तो कर सकते हैं सर, थोड़ी बहुत हम गरीबों के लिए भी सोच लिया करिए। ठीक है, कि एक गरीब का बच्चा कैसे यूनिवर्सिटी में पढ़े और किस तरीके से पढ़े, कैसे अपनी जिंदगी गुजारा कर सकता है, और मेधावी छात्र परिषद वाले बच्चे स्टूडेंट, ठीक है, पद की गरिमा को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, एक नीचे होके जरा सोचिए कि उन बच्चों के ऊपर क्या बीतेगा जिन बच्चों के स्कॉलरशिप फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हुआ है। आप अपने तरीके से, क्योंकि आपके पास पूरा राइट्स होता है कि जाके अपनी शिकायत डायरेक्ट VC सर या DSW मैम, ठीक है, किसी के भी सामने आप एकदम खुल के बात कर सकते हो, आप लोगों के लिए बकायदा मीटिंग होता है, तो कम से कम एक बात तो बोल देते कि सर हमारे विश्वविद्यालय में 2500-3000 बच्चे हैं, अभी तक उनके फॉर्म नहीं फॉरवर्ड हो पाए हैं, तो इसके लिए कुछ करिए सर। ठीक है, और आप भी बच्चों थोड़ा ट्विटर पे भी एक्टिव हो जाइए। ठीक है, ट्विटर पे ट्वीट करिए। ठीक है, और बाकी जितनी चीज़ें बताया हूँ वहाँ पे चले जाइएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे लोग कि पोर्टल खुल जाए। ठीक है, बाकी समाज कल्याण अधिकारी ने ये कहा कि अगर आपका विश्वविद्यालय बड़े लेवल के अधिकारियों पर प्रेशर बनाएगा तभी ये पॉसिबल है, तो आप जान सकते हो बड़े लेवल के अधिकारी कौन होते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रार साहब ने ऑलरेडी लेटर लिख दिया है, लेकिन उस लेटर का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, 5 दिन हो चुका, 14 तारीख को लेटर आया था। ठीक है, तो होप बच्चों आप सभी इन लोगों की मदद करिए, बच्चों के फॉर्म फॉरवर्ड हो और बाकी सबको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। ठीक है, तो होपफुली ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल बटन जरूर दबा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।